गई। दोस्तों, देवा गुर्जर की हत्या किसने की, यह सवाल सबके मन में आ रहा है। दोस्तों, सूत्रों से मिली खबर के अनुसार देवा गुर्जर की हत्या एक गुर्जर ने ही की है। दोस्तों, गुर्जरों में एक कहावत बड़ी मशहूर है, गुर्जर को गुर्जर मारे या मारे भगवान। जी हाँ दोस्तों, यह कहावत बिल्कुल सच साबित हुई है। देवा गुर्जर को उसी के साथ रहने वाले उसके साथी ने मारा है, जो इस वीडियो में देवा गुर्जर के साथ फोटो खींचवा रहा है। दोस्तों, देवा गुर्जर को मारने का क्या कारण रहा यह अभी पता नहीं चला है। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ आगे की खबर के लिए। हेलो दोस्तों, तो जो भी न्यूज चल रही है बहुत ही सोशल मीडिया पर, मैंने फेसबुक देखा तो उस पर कोई बोल रहा है कि जो देवा गुर्जर कोटा उसके गोली लगने से मौत हो गई या फिर उसके जो हार्ट अटैक आने से मौत होगी, तो अफवाहें फैलाई जा रही है। तो मैं आपको सही न्यूज बता रहा हूँ, मैं जस्ट अभी वहीं से आ रहा हूँ जहाँ पे उनका शव रखा गया है। अभी MBS हॉस्पिटल में उनका शव रखा गया है, वहीं पे मैं इंटर्नशिप करता हूँ और MBS हॉस्पिटल में उनका शव रखा गया है अभी मोर्चा में, जो सुबह 9 बजे दे देंगे उनके परिवार वालों को। वहाँ पे बहुत सारी भीड़ भी लगी हुई है और पुलिस वाला का फुल जाप्ता है, माहौल बहुत गर्माया हुआ है और जो मारने वाली पार्टी है वो भी गुर्जर ही, गुर्जर समाज से ही, देवा भाई भी और जो अदर पार्टी जिन्होंने ये किया, जो भी फायरिंग जो भी और चीज़ें वगैरह जिससे मारा वो भी गुर्जर ही थे। वो कहते ना गुर्जर को गुर्जर मारे या मारे भगवान, तो वो भी गुर्जर ही थे। तो अभी रखा गया और उनका डिक्लेयर हो गया, वहाँ से रेफर किया था तब वो घायल थे, लेकिन यहाँ पे आते आते वो उनकी जान निकल गई थी, वो दम तोड़ दिया था। तो ये सबसे सही न्यूज़ है, कोई अफवाह नहीं फैलाए, उन्होंने दम तोड़ दिया है और उनका सब सुबह 9 बजे देंगे, जो मैं तुम्हें लागी तस्वीरें दिखा दूंगा। अभी वहाँ पे बहुत भीड़ है इसलिए मेरा फ़ोन भी ऑफ होने वाला था, नहीं तो मैं भी आपको सब दिखा देता। और अभी उनका सब यहीं पर मोर्चे में रखा गया है और जो मारने वाले वो गुर्जर हैं। इनके जो पुरानी रंजिश है कुछ पैसों को लेकर आपसी झगड़े हैं, जो शायद इनके परिवार में हो या फिर आसपास के गांव वाले हैं। तो जो इनको मारने आए थे वो 30 जने थे, शायद 2 गाड़ियां भर के आए थे और अकेले शायद सैलून में गए थे कटिंग वटिंग करवाने, तो वहाँ इनके साथ ये झगड़ा हुआ और वहीं पर इनकी फायरिंग वगैरह हुई और ये वहाँ पर घायल अवस्था में यहाँ आए थे कोटा और यहाँ पर इन्होंने दम तोड़ दिया। और जो अब कल सुबह जो इनको निकालेंगे यहाँ से, तो मैं सुबह आपको लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा। धन्यवाद। हाल तो नहीं हो चल।